इंडिया में ऑलमोस्ट एवरी फोर में ना एक जने को हाइपरटेंशन है। हाइपरटेंशन होने से जो जितनी दिक्कतें हैं ना, हो उससे उसको ना कंट्रोल होने में ज़्यादा दिक्कत है। तो अगर हम ये जान लें कि हम में बीपी है या नहीं है, और अगर हमें बीपी है तो एडिक्वेटली ट्रीटेड हो जाए ताकि ये कंट्रोल में आ जाए, तो काफ़ी दिक्कतें आगे जाके हम उससे बच सकते हैं। जैसे कि स्ट्रोक एक बहुत बड़ा, या फिर हार्ट डिजीजेस, ये बहुत बड़ा रीज़न है आजकल मोर्टेलिटी का, डेथ का। तो हमारी जनता में काफ़ी में ऑलमोस्ट 25% में, एक चौथाई में बीपी मिल रही है एडल्ट्स में। और जो यंग जनरेशन है, मतलब 15 से 19 साल, उस एज में भी नंबर्स बढ़ते दिख रहे हैं, आंकड़े बढ़ते दिख रहे हैं। तो हमें ये जानकारी रखनी चाहिए कि हमारे में बीपी, अगर एक तो समय समय पे चेक करना है, और अगर बीपी आ गया बाई चांस तो उसके लिए करेक्टिव लाइफस्टाइल, मतलब जैसे अच्छी डाइट, एक्सरसाइज, स्मोकिंग, टोबैको, अल्कोहल, ये सब बंद करना, और अपना ओबेसिटी, मोटापा कंट्रोल में रखना, ये सारी चीज़ें, स्ट्रेस को अच्छे से मैनेज करना, ये सारी चीज़ें करें। और अगर फिर भी बीपी अपना बढ़ा हुआ है तो दवाई कर ले ताकि कंट्रोल में आ जाए, बस इतना कर ले तो काफ़ी है। लेकिन ये है कि हम इस इन चीज़ों के लिए, बीपी ऐसे कोई बड़ी बीमारी नहीं है, तो इसके लिए हमें क्या करना है कि अपने नज़दीकी किसी भी डॉक्टर से मिल लेना है, ताकि प्राइमरी लेवल पे ये मैनेज हो जाए। बाद पे टर्शियरी लेवल पे जाके उसको ओवरबर्डन करने की ज़रूरत नहीं है। प्राइमरी लेवल पे आप बीच बीच में जांच कराते रहें, अपने डॉक्टर से रेगुलरली मिलते रहें, ट्रीटमेंट कराते रहें, अगर बात बढ़ गई तो आपको रेफ़र कर दिया जाएगा, लेकिन ज़्यादा बढ़ेगी नहीं। खाली ये सब चीज़ें जो कंट्रोल वाली चीज़ें हैं, जो लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन और बीच कुछ दवाइयाँ, इतना कर लें तो काफ़ी है। बट समय समय पर जाँच ज़रूर कराइए, क्योंकि बहुत सारे लोगों को पता भी नहीं है कि उनको बीपी है, और बहुत सारे लोग ऐसे भी हैं जिनको पता भी है दैट दे हैव बीपी, दैट दे हैव हाइपरटेंशन, बट दे आर नॉट टेकिंग मेडिसिन एडिक्वेटली। सो ड्रग एडियरेंस, ट्रीटमेंट कॉम्प्लायंस इज इंपॉर्टेंट। थैंक यू।